जी मेरे साथ हैं ओलंपियन और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ख्वाजा जुनेद साहब, जो आजकल प्राइम मिनिस्टर के यूथ टैलेंट हंट के फोकल पर्सन हैं और आजकल वो लंदन के दौरे पर हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू लंदन। जी थैंक यू वेरी मच। आपने यहाँ पर एक हॉकी का इवेंट करवाया है, इसके बारे में हमें बताइए। हाँ बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी की तरफ से इंटरनेशनली ये एक पहला इवेंट था, और स्पेशली वो नेशनल स्पोर्ट हॉकी का। हमने इस इवेंट के ज़रिए हमने मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को इकट्ठा किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम जो हमारे स्टॉल वर्ल्ड से सेलिब्रिटीज से उनको इकट्ठा किया, जिसमें दम राज मिले, स्टीफन ब्लोशर और यूएन स्कारे, और इस तरह यूके के टंडेल एंड जेम्स बैन, और मतलब टॉप क्लास प्लेयर्स ने शिरकत करके मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को पूरी दुनिया में दिखाया, एंड देन जो हमारी नेशनल खेल है उसके हवाले से एक नेक्स्ट लेवल इवेंट था। और इस इवेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमारी जो हॉकी है वो इंटरनेशनली पब्लिक में प्रमोट हो और तमाम जो अचीवर्स है उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए, और एट द सेम टाइम जो हमारे पाकिस्तान में ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं उनके लिए कोई ना कोई फंड भी रेज किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी सक्सेसफुल, और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ऐसे इवेंट्स जो है ना हमेशा होते रहने चाहिए। आपकी अपनी ख्वाजा जुनेद हॉकी अकेडमी है, ये बताएं कि उसके में कितने बच्चे अंडर ट्रेनिंग हैं और पाकिस्तान का फ्यूचर कैसा दिखते हैं हॉकी के अंदर? देखिए मैं समझता हूँ कि ये वो खेल है जिसने अरूज देखा हुआ है, इसका जो पास है वो बड़ा ग्लोरियस था, और जिसने अरूज देखा हो ना तो उसमें अरूज लाना बहुत बड़ा मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो सही डायरेक्शन एक मॉडल की ज़रूरत होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारे पास कम से कम पूरे जो पाकिस्तान में हमारी अकेडमीज़ की जो ब्रांचेज हैं उसमें 400 to 500 बच्चे और बच्चियाँ हैं, और मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि हमारी अकेडमी के जितने भी मेन उसमें काम करने वाली टीम है, हम सब का एक ही फोकस है, वो ये है कि जो अपॉर्चुनिटी है ना वो हमारे बच्चों के पास नहीं है, तो हम मैक्सिमम बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं रावलपिंडी में हमारी अकेडमी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, बुरेवाला में। तो हमारी कोशिश है कोई ऐसा बच्चा जहाँ जहाँ अकेडमीज़ हैं और भी लोग बहुत काम कर रहे हैं कि हर बच्चा जो हॉकी खेलना चाहता है या कोई भी स्पोर्ट करना चाहता है तो उसको अपॉर्चुनिटी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ आवर मेन ऑब्जेक्टिव, और इसी में से आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में बहुत बड़े स्टार्स निकलेंगे। हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, क्या वजह है कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं करते? अरशद नदीम ने बहुत अरसे बाद अभी क्वालिफाई किया और उन्हें गोल्ड मेडल मिला, तो क्या वजह समझते हैं? देखिए जैसे मैं अभी पिछले क्वेश्चन में मैं जिक्र किया कि ये मुमकिन नहीं है कि 25 करोड़ में गोल्ड मेडलिस्ट ना हो, हाई एंड अचीवर्स ना हो। बिल्कुल है, मेरी ज़ाती रिसर्च है, मैं जब अकेडमी को देख रहा था हमारी पूरी टीम ने एक रिसर्च की मिलकर, जिसमें जो हमारा एज है ना 10 to 12 ईयर्स, इसमें हमारा मेन टैलेंट वेस्ट हो जाता है। वो पेरेंट्स जिनके वसाइल बड़े महदूद होते हैं वो अपने बच्चे और बच्चियों को चाइल्ड लेबर पे लगा देते हैं, वो उनकी नीड होती है। तो मैं समझता हूँ कि यही मेन फोकस है हमारी गवर्नमेंट भी जो है, जो यूथ टैलेंट हंट का हमने एक काम स्टार्ट किया वो यही है कि अवेयरनेस और एंड अपॉर्चुनिटी देना। तो अगर हम इसी तरह जो वो टैलेंट जो वेस्ट हो जाता है अगर हम उसको ग्रैब कर लेंगे और उसको पॉलिश करेंगे, तो आप यकीन करें कि आने वाले वक्त में आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि जी हमारा मेडल नहीं है, आप हर साल कई मेडल जीतेंगे। हमारी गवर्नमेंट की क्या तरजीहात है स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए? हाँ बड़ी अच्छी बात आपने किया। देखिए मैं ये हमेशा समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से एक डायरेक्शन आनी चाहिए, और जैसा कि मुझे ऑफ़र की गई कि जी आप हमारे साथ काम करें, और मैं बड़ा मशहूर हूँ उनका कि मैं ऑलरेडी ग्रास रूट पर काम कर रहा हूँ और एज ए फोकल पर्सन प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हर में काम कर रहा हूँ, और उसके चेयरमैन राणा मशहूर साहब हैं। राणा मशहूर साहब की बड़ी क्लियर विजन है, और थ्रू प्राइम मिनिस्टर साहब का एक ही फोकस है कि मैक्सिमम टैलेंट को ग्राउंड में लाया जाए और उनको सपोर्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ अगर ये विजन रहेगी, हम अगर टैलेंट को दरियाफ्त करने में देर नहीं करेंगे, तो आप देखिएगा मेडल आने में भी देर नहीं लगेगी। तो इस वक्त एक बहुत खूबसूरत प्लान बना हुआ है। इस इंटरव्यू में समझता हूँ इतना मुमकिन नहीं कि हम बहुत लंबा जाएँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको पूरी डिटेल्स भी देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर
साहब की जो विजन है उसमें स्पोर्ट्स प्रायोरिटी पे है और हीरोज को क्राफ्ट करना उनकी एक समझे जिद है। तो इंशाल्लाह देखिएगा कि पाकिस्तान में ओलंपिक्स के मेडल आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।